रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम बनाएंगे नमक पारे। देखिए कितना लेयर इसमें आया है। अगर आप ऐसे ट्रिक फॉलो करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत खस्ता बनेगा नमक पारे। आगे दिवाली आ रहा है, आप इसको स्टोर करके घर में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे लेयर नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 कप मैदा लिए हैं। अभी इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथ में ऐसे क्रश करके डालेंगे, 1/4 कप घी डालेंगे, चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी सारे चीज को हाथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। एक टाइट डो आपको लगाना है, एक सख्त आटा लगाना है आपको, इसलिए धीरे धीरे पानी आपको ऐड करना होगा। देखिए डो तैयार हो गया। अभी हम इसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। अभी 15 से 20 मिनट हो गया है, डो तैयार हो गया है। अभी एक घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैदा लिए हैं। अभी हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जो डो रखे थे इसको अच्छे से मसल मसल के एक बार फिर गूंद लेंगे आटा और चिकना कर लेंगे। अभी एक बड़ा सा लोई ले लेंगे और एक गोला बना लेंगे। इसको अच्छे से गोल करके आपको बेलना है, पतला बेलना होगा। पहले जब बेलेंगे इसको पतला बेलना होगा। में जो घोल तैयार करके रखे थे मैदा और ऑयल में जो घोल बना के रखे थे इसको लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे और दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर नीचे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे तरफ से चिपका के फिर एक बार बेल लेंगे। फिर और एक बार इसमें घोल लगाएंगे, फिर ऐसे दोनों बार दो बार फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से और एक बार बेल लेंगे अच्छे से, फिर और एक बार घोल लगाएंगे, ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे बेल लेंगे। अभी जो बेलेंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। अभी हम इसको काट लेंगे। ऐसे करके अभी हम सारे तैयार कर लेंगे। चलिए ऑयल को गर्म करते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद अभी हम इसमें नमक पारे डालेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें नमक पारे डालेंगे और गैस का फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे होगा तो वो बहुत क्रिस्पी बनेगा और बहुत खस्ता बनेगा। अगर गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे तुरंत ये जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। देखिए कितने अच्छे से इसमें लेयर आ रहा है। अभी चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे। देखिए अच्छे से हो गया है, अभी हम इसको निकाल देंगे। ऐसे करके दूसरा जो नमक पारे है इसको भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। देखिए नमक पारे बन के रेडी हो गया। देखिए कितना लेयर आया है इसमें और कितना खस्ता बना है। देखिए
आप एक बार इसको घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।